हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे अपने यूट्यूब चैनल टोटल स्टडी IQ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं लेकर आया हूँ अपने चैनल पर जीव विज्ञान के जो के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MP GNTST जो OPNTST जो प्री नर्सिंग जो टेस्ट वगैरह होने वाला है, नर्सिंग के लिए जो टेस्ट होने वाले हैं एग्जाम, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए बात करते हैं फ्रेंड्स, ये पहला लेक्चर है, और भी लेक्चर डालेंगे। तो आइए बात करते हैं। सर्वदाता रक्त समूह में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये एक फैक्ट है, जो ओ रक्त समूह ऐसा रहता है जो सभी को दे सकता है, ठीक है, लेकिन वो ले केवल ओ से ही सकता है, ठीक है। मूत्र का पीला रंग किस कारण होता है? तो फ्रेंड, यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। किसके कारण? यूरोक्रोम वर्णक के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि पिता का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव एवं माता का ब्लड ग्रुप RH, दोनों को ही RH पॉजिटिव है, तो संतान होगी, संतान भी फ्रेंड्स RH पॉजिटिव वाली होगी। ये फ्रेंड, ये एक अलग टाइप का ब्लड ग्रुप रहता है जिसमें RH एंटीजन पाया जाता है, ये ठीक है, ये बंदर में पाया जाता है। वैसे ये काफ़ी मतलब बहुत कम ब्लड ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। जठर रस से संबंधित एंजाइम है? तो फ्रेंड्स, ये पेप्सिन रेनिन। कौन सा? पेप्सिन रेनिन। किससे संबंधित है? जठर रस से, ठीक है। केंचुआ का श्वसनांग है, यानी कि केंचुआ किससे श्वसन लेता है, किससे सांस लेता है? तो फ्रेंड्स, ये त्वचा से लेता है, ठीक है। किससे लेता है? त्वचा से। पीलिया से प्रभावित अंग है? पीलिया कौन से मतलब अंग को प्रभावित करता है? तो फ्रेंड्स, यकृत को। किसको? यकृत को। आयोडीन किस हार्मोन का महत्वपूर्ण घटक है? तो फ्रेंड, थायरोक्सिन। किसका? थायरोक्सिन। आयोडीन आपको मालूम होगा, एक तो नमक से मिलता है और दूसरा ये जो सूर्य की प्रकाश रहता है ना, सूर्य का, उससे भी मिलता है, ठीक है। कोशिका झिल्ली, यदि आयोडीन नहीं खाओ तो घेंगा रोग वगैरह भी हो जाता है, ठीक है, और दिमाग पे भी असर पड़ता है। कोशिका झिल्ली बनी होती है तो फ्रेंड्स लिपिड की बनी रहती है। किसकी? लिपिड की। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है? पावर हाउस, ठीक है। ये यहीं से एनर्जी लेती है। कहाँ से? माइटोकॉन्ड्रिया से। राइबोसोम सहायक होता है? जो राइबोसोम रहते हैं वो किसमें सहायक होते हैं? तो फ्रेंड, जो प्रोटीन रहता है ना उसके संश्लेषण में सहायक होते हैं। क्या? राइबोसोम। RNA का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स? RNA का फुल फॉर्म रहता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या? राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने आपको बताए हैं, जो कि GNTST और PNST जो कि नर्सिंग के लिए जो टेस्ट होने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और भी जो एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए भी आप इन्हें यूज कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे अगले वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।